दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए सबसे अच्छी क्रीम कौन सी होती है? अगर आप भी बियर्ड के हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक ऐसी क्रीम बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप आपके दाढ़ी के पतले या फिर दाढ़ी के मोटे बालों को रिमूव कर सकते हो। आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपके फेस पर ना तो जलन पड़ेगी, ना आपका फेस रेड होगा, ना आपके फेस पर कोई साइड इफेक्ट होगा। बेस्ट क्रीम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपने देखा होगा कि आपकी कम एज में भी बीएड आ जाती है, बीएड आती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग आप पर कमेंट्स मारते हैं भाई तेरी जल्दी दाढ़ी आ गई है, तो फिर लोग सोचते हैं कि हम इस दाढ़ी को रिमूव कर लें, हटा लें। चाहे भला वो गर्ल्स होए, गर्ल्स के भी फेशियल हेयर्स या बेबी हेयर्स आने लग जाते हैं फेस पर, और बॉयज़ के काली घनी मोटी दाढ़ी आ जाती है। किसी को पसंद होती है, किसी को पसंद नहीं होती, इसलिए वो सोचता है कि हम भी हमारी बियर्ड को रिमूव कर लें या फिर फेस के बालों को हटा लें। इसके लिए वो बहुत सारी क्रीम सर्च करते हैं, होम ट्रीटमेंट्स करते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्स कराते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लेकिन उनसे फेस पर कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं और आपके दाढ़ी के बाल तो रिमूव हो जाते हैं बट कहीं ना कहीं वो आपके हेयर्स प्रॉब्लम्स बन जाती है। इसी के लिए मैंने पूरी रिसर्च करके आपको एक बेस्ट क्रीम लेकर आया हूँ जो कि हेयर्स रिमूवल क्रीम है। इसका नाम है ओले फेशियल हेयर्स रिमूवल क्रीम। यानी इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपकी कितनी भी मोटी दाढ़ी हो, दाढ़ी के बाल चाहे भला काले घने मोटे हो, चाहे बेबी हेयर्स हो, चाहे फेशियल हेयर्स हो, ये सारे बालों को रिमूव करने के लिए बेस्ट क्रीम होती है। इसका यूज़ कौन कौन कर सकता है? सबसे पहली बात तो अगर आप 18 प्लस हो तभी आपको सारे ट्रीटमेंट्स करना चाहिए। जो भी किसी के लिए ट्रीटमेंट्स होता है, हेयर्स के लिए, बियर्ड के लिए या फिर आपके हार्मोन्स के लिए, तो 18 के बाद ही आपको यूज़ करना चाहिए। इसको गर्ल्स यूज़ कर सकती हैं, बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, मैन वुमेन इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने ऑलरेडी पहले कोई सी भी क्रीम यूज़ कर रखी है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आप इस क्रीम का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है? देखो, इसके साथ एक बाम आती है जो कि आप आपके फेस पर पहले अप्लाई करें, पहले उस बाम को आप लगाएं, फिर उस बाम के ऊपर आप ओले फेशियल क्रीम लगाएं। इसको आपको कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपके फेस पर रखना है। आपको मसाज नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार लगाना है। आप अगर ये सोचते हो कि हम ज़्यादा टाइम तक रखें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ओनली 8 से 10 मिनट फिक्स टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप 10 मिनट से नीचे आपके फेस पर उसको लगा के रख सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से, नॉर्मल वाटर से आपके फेस को वॉश कर सकते हैं। आपके दाढ़ी के सारे हेयर्स, जो भी चाहे वाला वो फेशियल हेयर्स हो, बेबी हेयर्स हो या बहुत ज़्यादा काली घनी मोटी दाढ़ी हो, वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपका फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपका फेस जो है उस पर कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ सावधानियां जरूर रखना होगी, जैसे कि आप ये क्रीम्स को बच्चों से दूर रखें। आप जब ये क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आँख, नाक, मुंह, कान ऐसे पर्सनल पार्ट के अंदर इसको ना जाने दें। इसमें क्या केमिकल होता है आप सभी जानते हैं, जो भी क्रीम्स होती है उसमें केमिकल होता है। अगर गलती से आँख, नाक, मुँह या फिर किसी पर्सनल पार्ट में गलती से लग जाए तो जाकर तुरंत डॉक्टर को बताएं। अब बात ये आती है कि इसकी प्राइस क्या होती है। देखो, जो आपने हेयर रिमूवल क्रीम्स का यूज़ किया होगा, जो मैंने आपको इंडर क्रीम बताई थी, उसकी प्राइस लगभग 100-200 रुपये होती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बाकी जो आप बीट यूज़ करते हो तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो क्रीम्स लोकल प्रोडक्ट होता है। ये ओले एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन कंपनी है, इसकी प्राइस इसलिए हाई है, इसके प्रोडक्ट गारंटेड होते हैं, बिल्कुल आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देते हैं। इसकी प्राइस आपको अमेजोन पे लगभग 8,500 रुपये की मिल जाती है। अगर आप भी इसका यूज़ करना चाहते हो, आप भी आपके बियर्ड के हेयर्स को रिमूव करना चाहते हो, बियर्ड के फेशियल हेयर्स, बेबी हेयर्स या फिर आपकी काली घनी मोटी दाढ़ी है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके मुझे ज़रूर बताएं, जो बियर्ड की प्रॉब्लम्स को लेकर सीरियस है, जो दाढ़ी के बाल नहीं चाहते, फेस पर बाल नहीं चाहते, वो तो इसका यूज़ डेफिनेटली करें। तो जिसने यूज़ कर रखा है वो ही मुझे कमेंट करके बताए, और जो यूज़ करने वाला है वो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताए कि आपके फेस पर कौन सी प्रॉब्लम्स है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।